नमस्ते योगीश। सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। वो है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार नाम से ही थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। गर्भ संस्कार वो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इन 3 महीनों का मिलकर के सेकंड ट्राइमेस्टर बनता है। तो फिफ्थ मंथ में होता है, उस वहाँ पर बच्चे की ब्रेन डेवलप हो चुकी होती है। जो आप बोलते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप सुनते हैं, वो चीज़ें बच्चा ग्रहण करता है। तो कई बार मैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अगर वीडियो डाल देती तो उससे लेडीज़ क्या होती हैं कि आपको फिजिकली या डाइट प्लान या योगा पोजेस इन पे ही ध्यान जाता है। आपके बच्चे के लिए क्या और अच्छा है, आप किस तरीके से अपने बेबी को ढाल सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं फिर। तो इससे सेकंड ट्राइमेस्टर योगा से पहले मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट यही सेशन लेके आई हूँ जो आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी बेबी को आप जैसा चाहें वैसा गर्भ में ढाल सकते हैं, गर्भ में आप संवाद कर सकते हैं उनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज चौधरी। वेल कम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड। आपको वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन बटन को जरूर जाकर दबाएं। वीडियो को वॉच करने के बाद में कमेंट जरूर करें। जब बच्चा अपने सामने आता है, फिजिकली आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके मतलब उसको भूख लगी है, सबसे पहले उसको साफ़ सफाई की जाती है। बच्चे का बर्थ होता है, उसको फिजिकली क्या कहीं को पैर हार्म तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी मेडिसिंस दी जाती है। माँ फीड नहीं करवा पाती तो उसको ऊपर का दूध पिलाया जाता है, उसको फ्रेश होने का बंदोबस्त किया जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, अच्छी बातें, बुरी बातें, सब चीज़ों से अवगत करवाया जाता है। लेकिन क्या, और फिर एजुकेशन के बारे में भी अपन सोचते हैं, उसकी शादी के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, कितना। ये सब चीज़ें अपन बाहर आने के बाद में सिखाते हैं, वो चीज़ें एक माँ 9 मंथ्स में अपने बच्चे को गर्भ में सिखा सकती है, वो सब चीज़ें। ये नहीं, गर्भ संस्कार का मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर के सामने बैठ करके ऐसी मनोकामना करेंगे, हे ईश्वर मेरे को सबसे सर्वोत्तम संतान देनी है। नहीं, ऐसी मनोकामना तो कभी नहीं करनी है आपको। ईश्वर के सामने बैठ करके सिर्फ आपको उस बच्चे की ब्लेसिंग के अलावा कुछ नहीं मांगना। ब्लेसिंग में सब कुछ आ जाता है। आप क्या चाहते हैं वो तो ईश्वर ऑलरेडी समझ सकते हैं। आप उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। बाकी जो चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें से अफवाहें हैं या ऐसी बातें बताई जाती हैं कि ऐसा मंत्र पढ़ने से बच्चा अच्छा होता है, पुत्र प्राप्ति होती है या पुत्री प्राप्ति होती है, बच्चा इंटेलिजेंट बनता है, तो ये सब चीज़ें बकवास होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं। जो ईश्वर बना सकता है वो आपका कुछ कोई भी नहीं बना सकता। हाँ, मंत्रोच्चारण ईश्वर की आध्यात्मिकता से रिलेटेड है और भक्ति आध्यात्मिकता, इनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसमें मैं प्रैक्टिकली विश्वास करती हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए। बच्चे को गर्भ में 5वें महीने में बच्चा सुनने लग जाता है। इसके साथ में आप हर तरह के संवाद कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, भले ही आप जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी जो भी आपकी होली बुक्स हैं उनको आपको एक चैप्टर पढ़ना है। होली बुक्स में ये होती है कि ज्ञानप्रद होनी चाहिए, संस्कार, पोलाइटनेस, जेंटली बच्चे को बनाने वाली होली बुक्स होती है। जैसे अपने हिंदू धर्म में बहुत सारी होली बुक्स होती है, लेकिन क्या महाभारत को पढ़ के बच्चा कैसा बनेगा? तो गीता पढ़िए, आप गीता पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, या अदर जो धर्म है उनमें किस तरीके की बुक्स होती है उनका मुझे नॉलेज नहीं है, बट जो भी सुन रहे हैं उन लोगों को नॉलेज है, वो अपने धर्म की बुक्स पढ़ सकते हैं। आप डेली का एक दो चैप्टर, एक दो श्लोक पढ़िए। जब आप पढ़ करके बैठते हैं तो उनका आप मनन कीजिए। मनन का मतलब आप अंदर ही अंदर आपने क्या पढ़ा उनका मनन कीजिए। वो भी बच्चा आपका गर्भ में सुनता है, वो चीज़ भी आपका बच्चा सुनता है कि आपने क्या पढ़ा। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उससे थोड़ा दूर रहिए। आपको कोई नेगेटिव पड़ोस में नेगेटिव एनर्जी पास करने वाला होता है, नेगेटिव बातें बोलने वाला होता है, तो उनसे भ्रमित नहीं होना, उनको मतलब माइंड ही नहीं करना, क्योंकि इससे आपके बेबी पे फर्क पड़ेगा। उन सारी नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करते तो दिन में 10 बार कीजिए। एक बार कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आप ईश्वर के सामने घंटों बैठ करके वहीं पे
आप मंदिर में करें या पूजा स्थल पे करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन में आपके उठने की भी कैपेसिटी नहीं है तो आप अपने बेड पे बैठ के कीजिए। वो जो चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं वो ईश्वर को पता है और आपके बच्चे को पता है। आपको साफ सुथरा, सफाई, ये सब मायने नहीं रखता है। आपका मन कैसा है वो मायने रखता है। तो इस चीज़ को आप बच्चे को जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। चार पांच चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्ट होती हैं, हम नहीं उन बच्चे को देते। गर्भ में बच्चा माँ के, माँ से सब कुछ ग्रहण करता है, केवल माँ से ही करता है। पोषण उसी को माँ से मिलता है। और जो माँ सोचती है, जो माँ सुनती है, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा जो भी, वो बच्चा वो ग्रहण करता है। खाली वो बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, मोमेंट भी वो करता है। बाहर आने के बाद में बच्चा बोलता है, सुनता है, समझता है। लेकिन गॉड गिफ्ट चीज़ें होती हैं बोलना, सुनना, समझना और समझकर जवाब देना। वो चीज़ें अगर आप बच्चे को कितना भी बुलवा लो, अगर बच्चा, बच्चे को भगवान ने बोलना नहीं दिया है तो आप कितने भी इजी वर्ड बुलवा लो वो नहीं बोल सकता। तो एक्चुअल में ये सब गॉड गिफ्ट चीज़ें हैं। इसलिए रोज बैठ करके आप ईश्वर से धन्यवाद कीजिए, जो आपको संतान मिली है वो अच्छी और स्वस्थ रूप से बाहर निकले और उस पर अपना ब्लेसिंग बनाए रही। ब्लेसिंग ही मानना है, मांगना है आपको। ऐसी संतान नहीं मांगनी है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, मेरा बच्चा सुंदर हो, मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसी मनोकामना कभी नहीं करनी है। कि जो मांगता है वो मांगने वाला तो इंसान को भी पसंद नहीं होता है, तो ईश्वर को कैसे पसंद होगा? क्योंकि उनको पता है कि इनकी मनोकामना पूरी होगी और वो अपने रास्ते चलते बनेंगे। तो सिर्फ ब्लेसिंग मांगनी, ईश्वर की कृपा में सब कुछ आ जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। और आपको डेली का एक सेशन, एक लेसन आपको अच्छी बुक्स का पढ़ना है जो आपके बच्चे, और डेली आप शाम को सोने से पहले उठते ही अपने बच्चे के गर्भ, अपने गर्भ पे हाथ रख करके बच्चे से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, जो आपने पढ़ी है, जो आपने सीखी है वो सब। इसलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल तो सब समझते हैं, ऑलमोस्ट समझने लग गए, लेकिन फिर भी कुछ लेडीज़ हैं जो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। तो मैं उनको अवगत करवाना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी का दौर एक माँ के लिए बच्चे को जन्म देना ही नहीं होता है, बच्चे को कैसा ढाल सकते हैं वो भी एक माँ के हाथ में होता है। एक अच्छे संस्कार दीजिए, जो अपन बाहर देते हैं वो अपन गर्भ में भी दे सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। और वो जो आध्यात्मिक संस्कार जो बच्चे को मिलते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। बच्चा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, एवरीथिंग, सब कुछ आ जाता है।